हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और मेरा दूसरा ब्लॉग भी आज ही शुरू हो गया है, बिकॉज 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 अभी बजने हैं शाम के 6:15। और अब मैं जा रही हूँ नीचे थोड़ी सी वेजेस लेने, बाकी पड़ी हुई मुझे थोड़ी सी चाहिए, बिकॉज ऑफ मैं डिनर में आ चु सूप बनाने जा रही हूँ। तो मैं किस तरह बनाती हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और एक बंदर आ गया यहाँ पे, कोई बंदर आ गया। बंदर कौन सा बंदर है ये बोलो, कौन सा बंदर है ये? और मैं नीचे अभी जाऊंगी वेजेस लेने, क्योंकि मैं सोची थी सूप बनाने, क्योंकि आज मॉर्निंग से ना अजीब सा मेरा मन हो रहा था और मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं। आई थिंक मेरा जो मॉर्निंग वाला ब्लॉग था जो गया था आप लोगों के पास, उन्होंने देखा कि मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं। मतलब सुबह मैंने सैंडविच खाया था और एक बनाना शेक पिया था एक ग्लास, और फिर दोपहर में मैंने दो रोटी एंड आलू मटर की सब्जी खाई थी विथ कर्ड एंड क्यूकम्बर सैलड में, और कुछ भी नहीं खाया था। इवन आज तो मैंने शाम की चाय भी नहीं ली है, मेरा मन नहीं हो रहा, पता नहीं पेट इतना हैवी सा लग रहा था और अजीब सा, और ना मतलब क्या ही फील हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो आज, फिर बच्चों को शाम को पार्क लेके गई, फिर मैंने कहा कि क्या पता थोड़ा सा वॉक वॉक कर ले तो फिर थोड़ा ठीक हो जाए, बट अब भी बेटर है, बट फिर भी मेरी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। एंड थोड़ा सा मुझे रोज मैं यही सोचती हूँ थोड़ा वेट लॉस हो जाए। ऐसे मेरा 58 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैं फिर भी 55 एटलीस्ट 3 kg तो और कम हो जाए, तो थोड़ा सा और फिट हो जाए तो बेटर है। तो मैंने कहा चलो अब जा रही हूँ मैं, मुझे सब्जी लेनी है तो मैं फटाफट ले आऊँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को बनाना अपने लिए सूप और इन लोगों के लिए देखो मैं क्या बनाती हूँ। इन लोगों के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊंगी, क्योंकि हो सकता है पराठे बनाऊं, पराठे इन लोगों को ज़्यादा ही पसंद है। मैं इसको एक एग पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मे बी हो सकता है मैं इसके लिए मैं एग पराठा बनाऊं, और तुम दोनों को भी एग पराठा खाना है तो सैंडविच खाने का मन कर रहा फिर इसका उल्टा ही होता है। कल छोले चावल बने तो इसको कल रोटी छोले खाने थे, वो भी ठीक है। आज आलू मटर की सब्जी बनी तो आज कह रहा छोले चावल खाऊंगा। अब मतलब खाना दूसरा बनने जा रहा तो कह रहा मैं सैंडविच खाऊंगा। ऐसे कौन करता है? जब खाना बन जाता है उसके बाद तुम डिसाइड करते हो मेरे को अब ये चीज खानी है। अभी अब रात को कौन डिनर में सैंडविच खाता है? अभी सैंडविच खाने का मन कर रहा है? अच्छा अभी मैं जाके आती हूँ फिर बनाती हूँ, मैं लेके तो आऊँ, अंधेरा हो गया है फिर टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं ब्यूटी ब्यूटी दीदी बना देना, उसके अंदर पड़ी है ब्रेड। ठीक है ठीक है, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैं सूप बनाऊंगी अपने लिए, बाकी लोगों के लिए क्या, पापा को एग परांठा खाना है ना, तो ये सूप के लिए मैंने सारी वेजीज बॉईल कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत तरीके से बनता है, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने डाली है, कौन दिख रहा आपको, मटर डाली है एंड कैरेट डाला है, कैप्सिकम मुझे नीचे अच्छी मिली नहीं तो मैंने कैप्सिकम नहीं ली। अब सुबह मॉर्निंग में आएंगे जब मंडी से आते हैं तब सब्जी वाले, तब उनसे लूँगी। एंड बीन्स डाला है, ब्रोकली डाली है, तो इन सब्जियों को बॉईल करूँगी मैं। एंड इसमें भी मैं डालूँगी चॉप्ड अनियन एंड जिंजर गार्लिक, गार्लिक डालूंगी एंड जिंजर भी आप डाल सकते हैं एंड ये, और इसमें ग्रीन चिली भी डालूंगी मैं एंड ब्लैक पेपर। अभी मैं आपको बनाऊंगी, जब मैं आपको दिखा दूंगी मैं कैसे बना रही हूँ देन इसके बाद। और मैं इसके लिए बनाना है मुझे एग पराठा, मैं इसको बहुत पसंद है एग पराठा। फिर ये बंदर आ गया, ये बंदर है मेरा, ये बंदर है मेरा, बोलो। जो न्यू है हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जो न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब करे, जो पुराने है वो लाइक करे। और आजकल आई डोंट नो माय, पता नहीं व्यूज कम क्यों आ रहे हैं, पता नहीं, या तो हो सकता है जो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोगों ने अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं कर रखा होगा। क्या होता है सब्सक्राइब करने का, जो सबसे ऊपर वाला बटन है ना उसको प्लीज प्लीज उसको ऑन कीजिए, तभी जितनी नोटिफिकेशन है मेरे चैनल की या कोई भी वीडियो आने की वो मेरे चैनल पे आएगी तो आपको तब पता चलेगा। एंड आज जो हेयर स्टाइल ये बनाई मम्मा, है ब्यूटी ने एंड मम्मा बोलो, चैनल नोटिफिकेशन दबाने से नहीं, मतलब बेल दबाने से आती बेल तो दबाने से नहीं आती, सब्सक्राइब करने से आती है। सब्सक्राइब करेंगे पर नोटिफिकेशन बेल भी तो दबाना पड़ेगा ना, तभी तो नोटिफिकेशन उससे नहीं आती, सब्सक्राइब करने से आती है। सब्सक्राइब करने के बाद भी दबाना पड़ता है, नहीं तो नहीं आती है।
तो ये स्टाइल बनाई है हमारी ब्यूटी ने और बहुत ही जल्द आने वाली है जिसमें ब्यूटी करने वाली है मेरा मेकअप है ब्यूटी। बहुत जल्दी एक मेकअप वीडियो आने वाली है, देखते ब्यूटी कैसा मेकअप करती है। वैसे ये बहुत कम करती है, सोचो जिसकी मौसी करती वो तब भी ना सीखी, इसको सीख लेना चाहिए। मैंने कहा मैं ना एक वीडियो में सबके सामने करवाऊंगी जब तेरे को पता चलेगा कि कैसे मेकअप करते है। मैं इसको इतना कहती हूँ कि एटलीस्ट देख देख के भी वो हो जाए तो कर लिया कर, तो ये करती नहीं सुनती नहीं है। तो मैंने कहा चल हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें तुझे मेरा मेकअप करना है, एटलीस्ट मैं भी तो थोड़े मजे ले लूं। तो बहुत जल्दी वो भी आएगी वीडियो मेरे चैनल पे। एंड फटाफट इसको बॉईल कर लेती हूँ। एंड ब्यूटी तू अनियन चॉप्ड कर दे, ग्रीन चली और वो, मैं इसके लिए एक पराठा बनाना, बच्चों के लिए एक पराठा, ये लोग खाएंगे सब एक पराठा। मैं इसको मैं इतना कहती हूँ, मैं इसको कहती हूँ मैं सभी कंट्रोल कर लो, बट उनको एक पराठा इतना अच्छा लगता है, एग रोल एग पराठा। ही इज नॉन वेज लवर, मतलब कुछ भी चिकन मटन फिश मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उतना ही कम पसंद कर, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं खाती, खाती हूँ लिटरली, बट बहुत कम, बहुत ही कम मेरे को पसंद है, इतना ज्यादा नहीं पसंद है। एग खा लेती हूँ, एग अच्छा लगता है, एग में भी बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी जो नहीं खाती, मतलब कुछ एग करी ठीक ठीक पसंद है, ज्यादा नहीं पसंद, वो आयु को पसंद है। हमारे घर में ना सबकी अलग अलग चीजें, किसी को कुछ पसंद किसी को कुछ पसंद, बस ऐसे ही करके होता है ना। तो बस ये बॉईल हो जाए मैं फटाफट, तो चलिए जब बनाऊंगी तो मैं बिल्कुल उसकी भी वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगी। हमने चढ़ा दिया पैन और इसमें डालेंगे हम एक बटर। बटर डालने के बाद ना, ओहो बटर में बनाओ तो बड़ा अच्छा लगता है ये। वैसे आप कॉर्न फ्लावर भी डाल सकते हैं, बट मैं वो नहीं डालती जब मैं ऐसे खाती हूँ, और जब कोई आ जाए ज्यादा तब बनाओ, तब जा घर में आप खा रहे हो तो ऐसे कॉर्न फ्लावर इतना कोई वो नहीं, जैसे जरूरी नहीं है इतना कोई, आप वेट लॉस के लिए बना रहे तो मत डालिए कॉर्न फ्लावर। तो मैं इसमें डालूंगी ये चॉप गार्लिक, वाव अलग तरीके से। वैसे आप डायरेक्ट सब्जियों को बॉईल ना करोगे और ऐसे भी बना सकते हो कि इसको थोड़ा सा वो फ्राई करके फिर आप वेजिटेबल्स डाल दो, वाटर डाल दो तो भी बॉईल हो जाएगा। तो लेकिन मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे अनियन, एक छोटू सा अनियन है, इसको मैंने किया चॉप, बस इसको भी थोड़ा सा इसे हल्का सा, बहुत इजी है, मुझे पता है सबको आता है, बट मैं वो शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड। शेयर करना तो बनता है ना छोटी छोटी चीजें, क्या पता कोई इस तरीके से बना के खा ले या पी ले, मतलब सूखी पी ले। एंड इसके बाद हम डालने वाले हैं सबसे जल्दी बनने वाली चीज, एंड इसके बाद डालने वाले हम ये वेजिटेबल्स, इसे को हम सारी डाल देंगे इसमें। कौन मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कौन सैलड हो, चाहे वो आप मैगी में डालो पास्ता में डालो। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर और वाटर डालेंगे, क्योंकि ये चिली भी डाल देंगे और वाटर भी मैं डालने जा रही हूँ, और क्योंकि इतने वाटर से कुछ नहीं होने वाला। मैं इसमें डालने वाली वाटर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा क्या ज्यादा ही है क्योंकि सूप बन रहा है। तो बस इसको हमें सेकना है और इसको हम थोड़ी देर 2 मिनट बॉईल होने देते हैं। एंड बॉईल होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा अभी नमक डालेंगे, 2 मिनट बॉईल करते हैं, अभी 2 मिनट बॉईल करूंगी, फिर इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर एंड ये वाला सॉल्ट, एंड लास्ट में डालूंगी इसमें मैं कोरिएंडर, चॉप कोरिएंडर। बहुत इजी रेसिपी है जो हर कोई बना सकता है। आवाज आ रही है ना, आरओ की आवाज आ रही, कुछ ज्यादा ही करता है। इसको माय फ्रिज में रखो बेटा, और इन सब के लिए बनाने वाली हूँ एक पराठा थोड़ी देर में, पहले मेरा बन जाए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरे को थोड़ा सा सूप पीना है, तो तुम सब सूप बना लो, एंड उसके बाद जब रात को डिनर करेंगे, रात हो चुकी है और अभी उनको सूप पीना है, फिर उसके बाद ये डिनर करेंगे, ये लोग खाएंगे तब। सूप पीना है माई तुम्हें? हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए। तो बस
भी 2 मिनट हो जाए, तो उसके बाद मैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालूंगी। सो हमारा सूप समझो हो ही गया। इसमें मैंने डाला ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा ऑब्वियसली सॉल्ट, थोड़ा सा और डाल देते हैं, पिंक सॉल्ट है तो आप ये डाल दीजिए। एंड देन इसको 2 मिनट और हम ये देखिए, वाओ मेरा सूप रेडी हो चुका है। बट इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे, 2 या 5 मिनट, 5 मिनट ढक के हम इसे। हमारा हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं हरी हरी धनिए की पत्तियां जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप नहीं खाते हो तो हटा दो, वैसे मेरे हिसाब से सभी खाते होंगे। एंड बस इसको कर दीजिए ऑफ एंड हमारा सूप हो गया रेडी। अब इसमें एक काम करना, आपको बाउल में लेना है एंड उसके बाद इसमें थोड़ा सा डालना है नींबू का रस, खड़ा नींबू नहीं, नींबू का रस। बन गया ना सूप, वाव एंजॉय। ये हमारा सूप रेडी है, मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। अब मैं जाऊं पतिदेव को दे दूं। बन रहा है मेरा एग पराठा, महेश का फेवरेट और बच्चों का भी। एंड हमारा एक पराठा विद ग्रीन चटनी और फिर फटाफट चलो मैंने पति देव खाएंगे और बच्चे। सो अभी बजे हैं रात के सिर्फ अभी 9:30 बजने वाले हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। बट हम लोगों ने डिनर कर लिया, ठंड में अब जल्दी लोग हम लोग सोचते सो जाएं। तुम लोग दोनों क्या कर रहे हो, सो जाओ फटाफट, सुबह क्लासेस होती हो ना। हाँ कल तो एग्जाम भी है। नहीं फिर भी उठना है। यार मैं सो गाइस हम लोगों ने डिनर कर लिया है, तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और जो न्यू है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस, और कोई अच्छा सा कमेंट शेयर भी कर देना, ठीक है। सो भी दबाना है। गुड नाइट, मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू, हम सोते जाते हैं। बाय, लव यू ऑल।